नहीं हुआ सद्बुद्धि हवन, हड़ताल स्थगित कर काम पर लौटे संविदा स्वास्थ्य कर्मी। बीते 3 दिनों में चल रही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को स्थगित हो गई। सरकार के 15 दिनों के आश्वासन के बाद संविदा कर्मचारी काम पर भी लौटाए। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लौट आई। इससे पहले 3 दिनों तक चली हड़ताल में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए ताली ताली बजाने, मरीजों को अस्पताल में फल बांटने के साथ गुरुवार को भीख मांगी थी। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाना था, लेकिन इससे पहले गुरुवार की रात संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री और मंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उन्हें नियमित कर्मचारियों के बराबर 90% वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा निष्कासित कर्मचारियों को बहाल करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को NHM में संविलियन करने पर सहमति जताई। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया। संविदा कर्मचारी संघ का कहना है कि यदि मांगों को नहीं माना तो वह पर हड़ताल करेंगे। जून 2018 सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी हो गया है, उसका लाभ हमें आज तक नहीं मिला है। 3 साल से हम बिल्कुल अल्प वेतन पे, आधे से भी कम वेतन पर हम काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में पिछले साल भी हमने ज्ञापन दिया, लगातार हम इनसे ज्ञापन देते आ रहे हैं और सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी है हो चुकी है और बिल्कुल हमारी मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हमारे कई कर्मचारी कोरोना में शहीद हो गए अपने परिवार से, और उनका परिवार का जो करने वाला कोई नहीं है बोले तो सरकार बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बातें सुनने को तैयार नहीं है। विवश होकर हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। 17 तारीख से हमारी चरणबद्ध हड़ताल चल रही है और उनको बिल्कुल आज तक उनको बिल्कुल मांगे को नहीं सुन रही है, इसलिए हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। अभी आप जो हड़ताल में बैठे हैं, अभी पूरे जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरे संविदा कर्मचारी संभाल रहे हैं कोरोना में, और दूसरे भी बिना कोरोना में भी पूरी स्वास्थ्य सेवाएं संविदा कर्मचारी संभालते हैं। जो भी रिपोर्टिंग से जैसे नीचे के टीकाकरण है, कोविड का पूरा टीकाकरण प्रभावित हो रहा है, सैंपलिंग जाँचें हैं वो पूरा प्रभावित हो रहा है। DDC फार्मासिस्ट नहीं है तो दवाइयाँ नहीं बटेंगी, टीकाकरण नहीं होगा, बाकी TB का प्रोग्राम है वो भी नहीं चलेगा, सैंपलिंग है उनको सैंपलिंग पूरी नहीं होगी, सारे काम लगभग प्रभावित होंगे।